गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। तहसील जखमिया के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मागतपुर में कोविड 19 का किया गया टीकाकरण। गाजीपुर कोविड 19 से बचाव के लिए आज दिनांक 26 मार्च 2021 को किया गया, जबकि यह सप्ताह में दो दिन बृहस्पतिवार व शुक्रवार विशेष रूप में किया जाता है। लोगों की सेवा में डॉक्टर अजय कुमार, वीर सिंह, अनूप कुमार, राजेश प्रजापति, शकुंतला आदि लोग मौजूद थे। हम बता दें आपको कि ये कोविड 19 कोरोना की जो खतरनाक बीमारी चली है, पूरे भारत या पूरे विश्व में हर लोगों के अंदर समझिए कि एक दहशत पैदा कर दिया है। इसको भी मतलब सरकार काफ़ी चिंता जता रही है और लोगों को बर्ताव के लिए एक ना एक नई नई तरकीबें सोच रही है कि आखिरकार अपने देश के जो नागरिक हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। इसको सुरक्षित करने के लिए आज कैंप लगाया गया है, जिसको हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। हम आपको ले चलते हैं जिला गाजीपुर के जखनिया तहसील के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मागतपुर में, जहां पर कोविड 19 के लिए कैंप लगा करके यहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों को यहां पर इस प्रकार की सूचना देकर के यहां पर कोविड 19 का मतलब उपचार किया जा रहा है। यहां पर लोग मौजूद होकर के अपना आधार कार्ड का फिर और कोई अपनी आईडी के साथ में मौजूद होकर के अपना इस जो कोविड 19 का खतरनाक बीमारी चल रही है, इसको बचने के लिए सरकार की जो सुविधा है उसको लेने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद है उनसे हम बातचीत करवाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस के साथ में। आइए हमारे साथ। जी सर, अपना नाम बताएं। मैं अनूप कुमार। जी सर, ये आपने जो कैंप लगाया किस प्रकार का है? जी, ये कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। इसमें सरकार की प्राथमिकता है, जो 60 साल से ऊपर हैं उनको पहले प्राथमिकता है, और 45 साल से जो ऊपर हैं, जो गंभीर रोग है उनको भी टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि ये जो कोरोना महामारी है इससे हमारा देश जो है सुरक्षित हो। कोरोना के लक्षण क्या लक्षण है? कोरोना देखिए, सामान्यतः सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में आते हैं, वहाँ आपका इलाज मतलब जांच किया जाता है। जांच के बाद ही जो अगर पॉजिटिव आता है या निगेटिव जिस तरह का, तो उस हिसाब से अपना इलाज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मागत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, अब तक यहां पर इस क्षेत्र के कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से, कुछ बता सकते हैं क्या? तो देखिए, ये जखनिया ब्लॉक का ही नहीं मामला है, यहाँ हर ब्लॉक के कहीं का भी आदमी हो तो उसका टीकाकरण किया जा रहा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जी जी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिला गाजीपुर जिले की बात करते हो? नहीं, गाजीपुर नहीं, जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, मतलब हमको मालूम है। जी जी। तो यहाँ कोई भी अभी पॉजिटिव नहीं आया, कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। आइए और डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं। तब तक सर देखिए, ये भी अपना मास्क लगाए हुए हैं और लोगों के बीच में अपना मतलब अलग एक दिखा रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से सरकार की जो योजना है उसको किस प्रकार से चलाया जाए ताकि लोग सुरक्षित हों। आइए हमारे साथ में। जी सर, अपना वक्ता बोलिए, आप बोलिए, नाम बताइए अपना। हाँ, महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जी, ये जो कोविड 19 का आप लोग ने जो सुचारू रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं, आप जो है कि अपने क्षेत्रवासियों को किस प्रकार की सूचना देना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना टीका जो है 45 वर्ष के ऊपर वाले से लगा लें। जी जी। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि कोरोना से बचेंगे आप लोग। जी जी। हाँ। मतलब आप लोग इसको मतलब किस प्रकार से सूचना लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग जाने और आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकर के इस टीकाकरण का जो है कि अपने। जी, हमारा टीका जो है सोम, बृहस्पति और शुक्रवार तीन दिन हफ्ता में लगाया जा रहा है। जी जी। अब बारी बारी से जो यहाँ की संख्या 70-75 जा रहा है। जी जी। हाँ। तो कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये चल रहा है नेक्स्ट अगले महीना से। अगले महीना से कब तक चलेगा? मतलब अनिश्चित काल तक चलेगा। अनिश्चित काल तक, मतलब जितने लोग आते रहेंगे चलता रहेगा? चलता रहेगा जी। इसके विषय में अपने मतलब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस प्रकार के मतलब कहना चाहेंगे कि दूरी बना के रखें? यहाँ पर लोग काफ़ी मतलब सटे सटे बैठे, इसके लिए सर दो गज की दूरी बना के रखें, अपना मास्क लगाएं। आपको क्या लगता है, आप जो बैठे हुए हैं लोग, क्या किसी ने मास्क लगाया क्या आपको? इसको बनना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मागतपुर है, यहाँ पर जो डॉक्टर है काफ़ी इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यदि जो लोग हैं इसको यदि गंभीरता से लें तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो बीमारी चल रही है इसको लोग ग्रसित हो पाएंगे।
तब तक के लिए आप देख रहे हैं हमारे अल्पाइन न्यूज एक्सप्रेस साथ में, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद।